नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ITI Information में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या दो बार अलग अलग ट्रेडों से ITI करने के बाद अप्रेंटिस दो बार कर सकते हैं, या अन्य अन्य डिसिप्लिन या व्यवसाय में क्या दो बार अप्रेंटिस कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, इस विषय में मैंने RTI फाइल की थी कि क्या कोई व्यक्ति दो बार अप्रेंटिसशिप कर सकता है दो बार ITI करने के बाद। जैसे कोई व्यक्ति ITI इलेक्ट्रीशियन से कर लेता है और अप्रेंटिस उसी ट्रेड से कर लेता है, फिर वो कोपा से ITI करने के बाद क्या अप्रेंटिसशिप कोपा से कर सकता है, और कर सकता है तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, ये मैंने RTI के ज़रिए पूछा था। तो उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। दोस्तों ये देखिए, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि कोई भी व्यक्ति अनगिनत बार अप्रेंटिसशिप कर सकता है, बस उसका व्यवसाय या डिसिप्लिन जो है वो अलग अलग होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति एक अप्रेंटिस करते हुए दूसरी अप्रेंटिस नहीं कर सकता, वो अप्रेंटिस पूरी हो जाने के बाद ही दूसरी अप्रेंटिसशिप कर सकता है। तो दोस्तों, इसका प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन वगैरह का, तो दोस्तों आपको बस एक ही बार शुरू में जब आप अप्रेंटिस करते हैं तभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आप दूसरी अप्रेंटिसशिप दूसरे डिसिप्लिन में करना चाहें तो बस आपको प्रोफाइल जो है अपनी वो अपडेट करनी पड़ेगी और अप्रेंटिसशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और जो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि हम मतलब यहाँ से भी अप्रेंटिस कर लें वहाँ से भी अप्रेंटिस कर लें एक ही ट्रेड में, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी ही नई नई अपडेट्स पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।